हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे ही होंगे। और मैं अभी कुछ काम करने वाला हूं, तो आप भी देखिए क्या है हमारे यहां का अभी काम धाम। यहां पर ये राजेश क्या कर रहा है, राजेश साइकिल चला रहा है और श्याम इधर खड़ा है मम्मी के साथ में। और मैं डालूँगा अभी हमारी जो प्याज है इधर, इसमें जो घास फूस होते हैं उसकी दवा। तो पंप हो चुका है रेडी हमारा, तो बस करता हूँ मैं शुरू। और उसके बाद में दोस्तों हम नहा धोकर हो चुके हैं कंप्लीट। और मेरे साथ श्याम है, तो हम जा रहे हैं आज एक देवस्थान पर। तो श्याम बहुत एक्साइटेड है, तो चलिए आज यही चला कर ले जाएगा और मैं बैठूंगा पीछे। तो श्याम बैठ गया है भैया के साथ में। मंदिर है, देवस्थान है, कुछ भी कह सकते हैं आप। चलिए अंदर चलते हैं। गौ माता बंधी हुई है यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं इधर, ये संत निवास है। तो कुछ संत महात्मा रहते थे जब हम पिछली बार आए थे, तो हमने यहाँ पर उनके भी दर्शन किए थे, लेकिन आज यहाँ पर कोई है नहीं है, कहीं हो सकता है चले गए हों। और इधर मंदिर है, तो चलिए मंदिर के दर्शन करवाता हूँ मैं आपको भी। और श्याम पहले ही पहुँच चुका है। इधर जो है काफ़ी अच्छी एक वाटिका बनी हुई है, जिसमें कई प्रकार के पेड़ हैं। आज आया हूँ आपको दिखाने के लिए जो बी फार्मिंग होती है, यानी कि मधुमक्खी पालन, वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर ये एक भैया है, तो ये पूरी जानकारी देंगे आपको। और मेरे को मधुमक्खी से बहुत डर लग रहा है, तो मैं भी इसको पहन लेता हूँ। कैसे पहनते भैया इसको? यहीं से? अच्छा, ओ क्या है? ओ। तो मधुमक्खी हमला कर रही है, इसलिए ये जो है सा है कुछ
बस तो दोस्तों मैंने ये पहन लिया है मधुमक्खी से बचने के लिए, मुझे बहुत खतरा लग रहा था। और ये भैया तो देखो अंदर चली गए हैं, तो ये क्या है, विचुअल है इस चीज़ से, और इनका ये प्रोफेशन है। और मुझे हाथों में काटने से भी बहुत डर लग रहा है, पर मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है यहाँ पर, और इसमें काफ़ी, आप देखो ये बीज है। और ये भैया छत्ता निकालने के यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें से रस कैसे निकालते हैं भैया? मशीन में लगता है, यहाँ ऊपर ऊपर से रखती है। ये छत्ता पूरा मशीन में रख देते हैं? अच्छा, मक्खी को झाड़ के। अच्छा, मक्खी को हटा देते हैं और उसके बाद में रस निकाल लेते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि भैया ने ये छत्ता निकाला और मधुमक्खी उनको काट भी नहीं रही है हाथों में भी, और मशीन से रस निकालते हैं, इस छत्ते को मशीन में रख देते हैं और उसके बाद फिर ये उसका जो हनी होती है वो निकाल लेते हैं। तो ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल छत्ता होता है, हमारे जो देसी मधुमक्खी होती है जो हरकें लग जाती है, तो उसमें छत्ते मधुमक्खी खुद बनाती है, और यहाँ पर ये छत्ते उपलब्ध करवा देते हैं जिससे कि मधुमक्खी सीधा रस बनाने का काम करती है। ये उसके बच्चे हैं। अच्छा, आराम से भैया, आराम से, आराम से। मुझे डर नहीं मुझे तो क्या डर लग रहा है भैया। तो चलिए अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मधुमक्खी जो है हमलावर हो सकती है। और भैया से कुछ और जानकारी लेंगे यहाँ पर। देखो हमला कर रही है मुझ पर, लेकिन उनका बस नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने ये सेफ्टी टॉप कह सकते हैं इसको पहन रखा है। तो चलिए थोड़ा इधर अपन खड़े रहेंगे और कुछ जानकारी हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ में आप शेयर करें। तो आइए इधर थोड़ा। तो भैया जैसे आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ कितने दिन हो गए आपको? हमको 2 दिन हुए हैं अभी। अभी 2 दिन हुए हैं यहाँ पर। कितने दिन आप यहाँ पर मतलब एक जगह रुकते हैं लगभग? लगभग 15 दिन जब तक फुल रहेगा यहाँ। अच्छा दोस्तों, अभी हम मंदिर से आए ही हैं और 5 बज चुके हैं। शाम ने वहाँ पर आज खूब इंजॉय किया और हम लगभग 2-3 घंटे वहाँ पर रुके थे। मुझे अब घर का काम देखना है, तो इधर हमारी जो भैंस बंधी हुई है तो उसको अंदर लेकर जाना है और चारा भी डालना है, तो मैं लगूँगा अपने काम पर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो वीडियो दोस्तों करते हैं यहीं पर अब एंड, और मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।